अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट पर काम करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक और न्यू एंड पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अपडेट प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर कमेंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर का इस्तेमाल करेंगे और अपडेट है इसीलिए हम जब पुट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे प्रोडक्ट को अपडेट कराएंगे। साथ ही में हमको इज ऑथ भी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर इज ऑथ को भी ऐड कर देंगे। और फर्स्ट वाले में क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए जो है ना हम दो एंड पॉइंट बना लेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, सेकेंड वाले में फिर प्रोडक्ट की इमेज को अपडेट करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा और काफी कोड हमारा इसमें क्लीन रहेगा। तो चलते प्रोडक्ट कंट्रोलर में, नीचे हम क्या करेंगे एक कमेंट बना लेंगे, अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर उसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद चलते हैं प्रोडक्ट राउट के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोलर टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर इस कंट्रोलर में काम करेंगे। इसको आपको सबसे पहले एसिंक करना है और ये कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें भी इस्तेमाल कर लेंगे। सो आप लिखेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच में टॉप पे से कॉपी कर लेता हूँ, जो भी इसके अंदर रिस्पॉन्स है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर इन अपडेट प्रोडक्ट एपीआई, कुछ इस तरीके से हम एरर मैसेज ऐड कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट को अपडेट करना है। अपडेट किस बेस पे करेंगे, पहले शुरू तो हमको प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट किस बेस पे हम करने वाले, राउट के अंदर देखिए हमारे पास है डायनेमिक आईडी, तो इस डायनेमिक आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो चलते वापस प्रोडक्ट कंट्रोलर में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे प्रोडक्ट को। सो उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे, हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल करेंगे और रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में हमारे पास क्या रहेगा, आईडी रहेगी। तो उसको हम क्या करने वाले हैं, गेट करेंगे, तो आप लिखेंगे आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसका वैलिडेशन भी हम ऐड कर देंगे, वैलिडेशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ नॉट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर लो, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 404 दैट मीन्स नॉट फाउंड, फिर सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, उसके बाद में मैसेज जैसे कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड। और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, कास्ट एरर को भी जो है हैंडल कर लेंगे, जो कि हमने टॉप पे यूज किया था ना, कहाँ पर यूज किया था एक बार देख लेते हैं, कास्ट एरर यहाँ पर देखिए, इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और इसके कैच में जो है पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर कास्ट एरर हमको मिलता है ना तो वो अच्छे से हैंडल हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कास्ट एरर भी सॉल्व हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, अब हम क्या करेंगे, यूजर से कुछ चीजों को गेट करेंगे, जैसे कि कॉन्स, क्या क्या चीजें वो अपडेट कराना चाहता है, जैसे कि हो सकता है नेम, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस, प्राइस के बाद में हमारे पास था स्टॉक, स्टॉक के बाद में है कैटेगरी, और आई थिंक इतने ही थे ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट कर लेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सारी चीजों को पहले प्री पॉपुलेट कर लेंगे, यानी कंडीशनल वाइज हमको चेक करना है, अगर नेम अपडेट करना है तो सिर्फ नेम, अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन, उसी तरीके से रेस्ट जितना भी है ना सिर्फ कंडीशनली हमको जो है अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, पहले कमेंट भी बना लेता हूँ, यहाँ पे वैलिडेट एंड अपडेट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ नेम, अगर हमको नेम पास होता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास नेम है, उसको नेम से रिप्लेस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको जो है सभी के लिए करना है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 5 times मैंने कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद में हमारे पास रहेगा डिस्क्रिप्शन, तो आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, सेम प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में हमारे पास है प्राइस, प्राइस भी आपको सेम इसी तरीके से जो है ऐड करना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। उसके बाद में हमारे पास है स्टॉक, सो आप स्टॉक के लिए भी क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, स्टॉक को आपको कॉपी करना है, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, फिर उसके बाद में इक्वल टू में भी आपको स्टॉक को ऐड कर देना है। उसी तरीके से हमारे पास है कैटेगरी, कैटेगरी को भी हम इनिशियल टाइम पे चेक करेंगे, अगर कैटेगरी अपडेट करना चाहते तभी हम जो है इसको अपडेट करेंगे,
सो यहाँ पर हमने कंडीशनली जो है प्रोडक्ट को अपडेट करा दिया। ये सारी कंडीशन जो है इवेलुएट होने के बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस रिस्पॉन्स यहाँ पर भेज देंगे, और उससे पहले हम क्या करेंगे, सेव भी कर लेंगे हमारे मॉडल को। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट सेव फंक्शन, और इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स सेंड कर देना, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 यानी 200, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसके अंदर क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू, और मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल अपडेटेड, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन बन चुका है, अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, पहले शुरू हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे। सो टर्मिनल आप ओपन करिए, सर्वर डायरेक्टरी के अंदर मैं स्विच हो जाता हूँ, सीडी सर्वर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे, npm run server, और सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी Node.js की एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते वापस पोस्टमैन में, और पहले शुरू में गेट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स को। सो गेट ऑल वाला जो API है ना उसको मैं हिट करा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और इसमें देखिए आईफोन 15 है, तो मैं क्या करता हूँ उसको 16 करके ट्राई करता हूँ। तो नेम को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एक न्यू एंड पॉइंट हम बना लेंगे, बॉडी, बॉडी के अंदर रॉ डेटा, और फिर यहाँ पर मैं जेसन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। 15 के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर 16, और URL हमको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ प्रीवियस वाले में से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। एंड पॉइंट आपको चेंज करना है, एंड पॉइंट में हमारे पास रहेंगी ID, कौन सी ID, प्रोडक्ट की ID हमको चाहिए। सो प्रोडक्ट की ID को हम कॉपी कर लेंगे, ये रही प्रोडक्ट ID, कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, प्रोडक्ट के बाद में इसको पेस्ट करना है, और हमारा मेथड जो रहेगा वो रहेगा पुट। अगर सब कुछ सही रहा तो हमको जो है यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू मिलेंगी, और साथ ही में MongoDB कॉम्पस भी ओपन कर लेता हूँ मैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्ट हो जाता हूँ। हमारे डेटाबेस का नाम था RN ecommerce, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, अपडेट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सक्सेस रो प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड, सक्सेसफुली हमको मैसेज मिल रहा है। चलते डेटाबेस में, अभी ये 15 है, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये 16 हो चुका है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी मैं चेंज करके ट्राई कर लेता हूँ, चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर डिटेल्स वाला कौन सा था, API ये था, देखिए यहाँ पर अभी भी 15 है ना, वापस से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए 16 ये बराबर से शो कर रहा है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और नेम के बदले क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर कोई भी वैलिड डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट आईफोन। तो इतना वैलिड यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट पर्पस के लिए ठीक है। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अगेन मैसेज मिल रहा है, चलते वापस MongoDB कॉम्पस में, तो यहाँ पर अभी स्टिल हमारे पास है समथिंग अबाउट दिस फोन, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए लेटेस्ट आईफोन यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। और इसको आप जो वापस से गेट ऑल वाले API में भी टेस्ट कर सकते हैं, सेंड पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज हो चुका है। तो परफेक्टली हमारी अपडेट की क्यूरी यहाँ पर काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद में फोटो पर काम करना है, यानी देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स हमारे पास अपडेट हो रही है। इनकेस अगर हमको इस इमेज को जो है अपडेट करना है तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और न्यू एंड पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, फिर उसके बाद में कंट्रोलर अलग से क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस प्रोडक्ट राउट के अंदर, और इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट इमेज कर लेंगे इसको, और यहाँ पर आईडी सेम रहेगा, आईडी तो हमको चाहिए, कंट्रोलर फंक्शन हमको दूसरा चाहिए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कमेंट बना लेता हूँ, अपडेट प्रोडक्ट इमेज, कमेंट हमने बना लिया। उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम क्या करेंगे इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर। इस अपडेट प्रोडक्ट को कट करिए, यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर, देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इमेज को अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए हमको जो सिंगल वाला पार्ट भी चाहिए, यानी सिंगल अपलोड का जो मिडल वेयर है ना उसको भी हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंगल अपलोड, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट है, सो इंपोर्ट का कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, सेव कर लेते हैं इसको। और देखिए ये जो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो उसके आगे भी आप इसको डॉट लगा के जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम इसी के साथ में जाएंगे, सेपरेट सेपरेट लॉजिक रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इनकेस अगर आपको इसको कॉम्प्लेक्स करना है तो आप कर सकते हैं, लास्ट में देखेंगे हम
और इसको कॉम्प्लेक्स करना है या फिर रीयूजिबिलिटी इसमें बढ़ाना है, तो फिर उसके ऊपर हम अलग से काम करेंगे। तो चलिए चलते प्रोडक्ट कंट्रोलर में और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक फंक्शन कर देंगे और उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। इस फंक्शन के अंदर भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे और कैच यहीं से टॉप से कॉपी कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कैच सेम है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमको जो फाइंड करना है सबसे पहले प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर जो है इमेज को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए उसके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, यूजर मॉडल के अंदर, सॉरी यूजर नहीं, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर से हम क्या करेंगे फाइंड बाय आईडी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और रिक्वेस्ट पराम्स में से हम क्या करेंगे आईडी को गेट कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट पराम्स डॉट आईडी वैलिडेशन, उसके बाद में भी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वैलिडेशन इफ नॉट प्रोडक्ट, अगर हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स। हम क्या करेंगे स्टेटस यहाँ पर सेंड कर देंगे, सो आपको लिखना है स्टेटस 404 दैट मीन्स नॉट फाउंड, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे, पहले शुरू फॉल्स, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब ठीक है, अगर हमको प्रोडक्ट भी मिल जाता है तब हम क्या करेंगे फाइल को गेट करने वाले हैं, या फिर फाइल का वैलिडेशन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट रिक्वेस्ट ऑफ फाइल, अगर हमको फाइल नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स, तो रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम इस सक्सेस और मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और साथ ही मैं कमेंट भी बना लेता हूँ यहाँ पर चेक फाइल, और ये है चेक फाइल। अब ठीक है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड के बदले हम क्या करेंगे प्रोडक्ट इमेज नॉट फाउंड, सो यहाँ पर हमारा फाइल का वैलिडेशन हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे जाना, अब चेक करेंगे हमको फाइल मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो हम क्या करेंगे उसको जो है गेट डेटा यूआरआई की मदद से जो है गेट कर लेंगे। तो कौन फाइल के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद में हमारे पास है गेट डेटा यूआरआई का फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट में फाइल आएंगी ना उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है क्लाउडनरी डेटाबेस को हिट कराना है, क्योंकि इमेज के लिए हम क्या कर रहे हैं क्लाउडनरी डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे और इसको मैं लिखता हूँ सी डी बी यानी क्लाउडनरी डेटाबेस। यहाँ पे हम क्या करेंगे अवेट कर लेंगे, और फिर हमको क्या करना है क्लाउडनरी का इस्तेमाल करना है, फिर वी टू, वी टू के बाद में अपलोडर फंक्शन, और इसके अंदर अपलोड फंक्शन, अपलोड के अंदर हम क्या करेंगे फाइल डॉट कॉन्टेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी फाइल का जो भी कॉन्टेंट है उसको अपलोड कर लो। इसके बाद में हम क्या करेंगे एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा सबसे पहले पब्लिक आईडी, और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी सी डी बी में से यानी क्लाउडनरी डेटाबेस में से, तो सी डी बी डॉट पब्लिक आई डी। उसके बाद में हमारे पास रहेगा यू आर एल, यू आर एल कहाँ से आएगा, ये भी आएगा क्लाउडनरी डेटाबेस में से, तो सी डी बी डॉट सिक्योर यू आर एल। तो इमेज हमारे पास बन चुका है, अब हमको क्या करना है इसको सेव कराना है। सो सेव कराने के लिए देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया है, तो अभी भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट उसी पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है इमेजेस का एरे है, ठीक है इमेजेस का एरे है, तो एरे के अंदर अगर कुछ भी स्टोर कराना है तो हम क्या करते हैं पुश मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब पुश क्या करना है हमको, जो भी लेटेस्ट इमेज हमको मिलने वाली है उसको हम क्या करेंगे इसके अंदर पुश कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इमेज। अब जैसे हमने इसके अंदर पुश करा दिया तो हम क्या कराएंगे सेव फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना अवेट करेंगे, अवेट किस चीज़ का करना है जो भी प्रोडक्ट है अपना उसको हमको क्या करना है यहाँ पर डबल से सेव कराना है। अब जैसे सेव हो जाएगा रिस्पॉन्स हम सेंड कर सकते हैं रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, और फिर यहाँ पे सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे सक्सेस कर देंगे थ्रू, तो आपको यहाँ पे लिखना है सक्सेस थ्रू, मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट इमेज अपडेटेड, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इमेज अपलोड के लिए भी हमारे पास फंक्शन बन चुका है, अब इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर एक और न्यू टैब मैं ओपन कर लेता हूँ, प्रीवियस वाला मैं क्या कर रहा था कॉपी कर लेता हूँ, सेम प्रोडक्ट है और सेम आईडी है इसीलिए मैंने प्रीवियस वाले को कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। मेथड अपने पास रहेगा यहाँ पर पुट,
पुट के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर बॉडी सेक्शन है, बॉडी के अंदर हमारे पास है फॉर्म डेटा, यहाँ पे हमको लिखना है टाइप में फाइल, और फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए आउटसाइड क्लिक करिए, उसके बाद में एरो का सिंबल मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, फिर फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, और ऑलरेडी ये वाली इमेज अपने पास है, सेकेंड वाली इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, अगर सब कुछ सही रहता है तो ये बराबर से कॉल होगा। तो सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड का मैसेज हमको मिल चुका है। अब चलते हैं हम वापस डेटाबेस में। अभी फिलहाल हमारे पास देखिए इमेजेस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये डबल से स्टोर नहीं हुआ, मतलब कुछ इशू, एक बार देख लेंगे, रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ तो नहीं बता रहा है, ये बराबर से कॉल हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ गया, एक बार देख लेंगे। मैं पोस्टमैन में जाता हूँ वापस, और हम क्या करेंगे, गेट करेंगे डेटा को, फिर से सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ एक ही इमेज अभी बराबर से शो कर रहा है। तो फंक्शन तो बराबर से कॉल किया, आई थिंक कुछ इशू हो गया यहाँ पर, फॉर्म डेटा बराबर है, फाइल टाइप है, कहीं ये सेम एपीआई तो हिट नहीं हो रहा है ना, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं एपीआई का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आईडी है ना, सो यहाँ पर मैं इमेज डैश फोटो आईडी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा सुटेबल नाम रहेगा, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के बाद में जो है ना इमेज ऐड कर देता हूँ, आई थिंक दोनों बार बार आईडी को हिट कर रहे हैं ना, इसीलिए जो है वो बराबर से काम नहीं कर रहा है। अब मैं वापस से सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्रोडक्ट इमेज अपडेटेड करके सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है। चलते वापस MongoDB कॉम्पस में, अभी भी फिलहाल हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए एरे का इंडेक्स चेंज हो गया और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बराबर से आ रहे हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस क्लाउडनरी यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे पेस्ट करूंगा तो देखिए बराबर से सेम इमेज हमको मिल रही है। तो सक्सेसफुली हमारे पास अपडेट की फंक्शनैलिटी यहाँ पर बन चुकी है। हमने फर्स्ट किया क्या इसमें, सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपडेट किया, उसके बाद में फिर इमेज को हमने यहाँ पर सेपरेटली हैंडल किया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास जितने भी इमेज आएंगे ना, तो इसके बाद में स्टैक होते जाएंगे, क्योंकि ये एरे है तो एक के बाद में एक ये बराबर से शो करेगा। अभी हमारे पास दो इमेज ऐड हो गए, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिलीट पर काम कर लेंगे। तो डिलीट में हम क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, पहले शुरू हम प्रोडक्ट को जो है डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, हो सकता है यूजर सिर्फ इमेज को डिलीट करना चाहता है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू जो है इमेज पर काम कर लेंगे, उसके बाद में फिर इंटायर प्रोडक्ट को जो है डिलीट करा देंगे।